रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समरी ऑफ द पोएम एंड द टाइटल ऑफ द पोएम वाज ट्राई अगेन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड पोएम, वी रेड द पोएम, इट्स क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट मीनिंग्स। सो आई स्टार्ट इट्स समरी टुडे। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये पोएम जो है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने जब लिखी है, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको जो है वो कल दे दिया था। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस पोएम कन्वेज अस, ये पोएम हमें देती है अ यूनिवर्सल मैसेज, एक आफाकी पैगाम ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, मुसलसल मेहनत का। कि ये पोएम या ये नज़म हमें मुसलसल मेहनत का एक आफाकी या आलमी पैगाम जो है वो देती है। इन पूरी दुनिया में जो माना जाता है कि मेहनत जो है वो आपकी ज़रूर रंग लाती है, इसी तरह से कुरान मजीद में जो है इरशाद है, जो हमारे लिए मशअल राह है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा असा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, तो ये हमारे लिए जो है वो मशअल राह है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन दिस पोएम द पोएट टीचस अस अ गोल्डन प्रिंसिपल, के शायर जो है हमें एक सुनहरी असूल जो है वो पढ़ाता है ऑफ सक्सेस, कामयाबी का, कि कामयाबी का हमें सुनहरी असूल पढ़ाता है कि सक्सेस का, कामयाबी का सुनहरी असूल क्या है। ट्राई अगेन, कि बार बार जो है आप लोग जो है वो कोशिश करें अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब नहीं होते। ही सेज़ दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन ऑल कंडीशंस, वो कहता है कि हमें तमाम हालात में, हर किस्म के हालात में कोशिश जो है करना जारी रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कल हालात ठीक होंगे या कल मौसम ठीक होगा या कल जो है मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ये काम करूँगा, नहीं, बल्कि आपको मुसलसल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, चाहे आप लोग चलें चाहे थोड़ा काम करें, आप लोगों को काम ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू डोंट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर हम अपनी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो हमें कोशिश करना जारी रखना चाहिए। और कंटिन्यूस स्ट्रगल, हमारी मुसलसल मेहनत वुड मेक अस क्रेजियस, के हमें हौसला मंद बनाएगी। एंड इफ़ वी परसिस्ट स्टडीली, कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ या साबित कदमी के साथ काम करते रहते हैं, वी विल गेट सक्सेस, तो हम लाजमी कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। सो इसलिए वी शुड नेवर फियर एनी हर्डल, कि हमें किसी रुकावट से नहीं डरना चाहिए, आर डिफ़िकल्टी या किसी मुश्किल से, एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश करना जारी रखना चाहिए। इफ़ यू एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल, अगर हम इस असूल पर अमल करते हैं, कौन सा असूल, ऑफ ट्राइंग अगेन, बार बार मेहनत करने के, कोशिश करने के, अगेन एंड अगेन बार बार कोशिश करने के असूल पर अमल करते हैं, वी वुड बिकम, हम बन जाएंगे हार्ड वर्किंग, ब्रेव एंड करेजियस, मेहनती, बहादुर और हौसलामंद, सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेबल, कामयाब और मोहतरम या काबिल एहतराम हम लोग जो है वो बन जाएंगे। द पोएट मैंशंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सन, साइकोलॉजी मैंशंस, बयान करता है द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की नफ्सियात को, कि शायर एक शख्स की नफ्सियात को बयान करता है, फेल्स वंस आर ट्वाइस, के जो एक दफ़ा या दो दफ़ा नाकाम हो सकता है या हो जाता है, सच अ पर्सन इज डिस्करेज, इस तरह का आदमी जो है हौसला हार देता है, उसकी हौसला शिकनी हो जाती है, ही फील्स अशेम्ड, कि वो शर्म महसूस करता है ऑफ गिविंग अप स्ट्रगल, और कोशिश को तर्क करने के बारे में सोचता है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी जो है वो साइकी है या हमारे मुआशरे का जो है वो एक बुरा पहलू है कि कोई किसी बंदे को इनक्रेज करने की बजाय हम जो है उसको डिस्करेज करते हैं कि छोड़ो परे तुमसे नहीं होगा, तो आदमी खुद भी जो है वो शर्मिंदगी महसूस करता है कि यार जब सारे कह रहे हैं, तो असल में सारे कह कह के उसका जो है वो ज़हन बना देते हैं, और वो भी क्या कहते हैं कि यार छोड़ो परे कोई और काम जो वो करते हैं। द पोएट इनक्रेज हिम, शायर जो है उसको हौसला अफजाई हौसला देता है, एंड सेज दैट, और ये कहता है कि इफ़ वी ट्राई एंड फेल, कि अगर हम कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, इट इज़ नो डिसग्रेस, तो ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, ये कोई शर्म वाली बात नहीं। इफ़ वी वांट टू प्रिवेल, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, अगेन एंड अगेन बार बार। द पोएट सेज दैट, शायर कहता है कि इफ़ यू फाइंड हार्ड, कि अगर आपको लगता है कि आपका काम मुश्किल है,
यू शुड नाट गिव अप, तो आपको इसे तर्क नहीं करना चाहिए स्ट्रगल का, कोशिश को, तो आपको कोशिश को तर्क नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आपको बार बार कोशिश जारी रखनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, तो वक्त जो है आप लोगों को सिला देगा इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, कामयाबी की सूरत में। सो कीप ऑन ट्राइंग, इसलिए कोशिश जो है वो जारी रखें। वट अदर पीपल कैन डू, जो दूसरे लोग कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू, आप भी कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए द रूल ऑफ ट्राइंग अगेन, बार बार कोशिश करने के असूल को। एंड कंटिन्यू योर स्ट्रगल विद पेशेंस, और सब्र के साथ, हौसले के साथ अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। हियर एंड्स आवर लेक्चर, टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।